बिहार में नीतीश के सुशासन के दावों की निकली हवा। गया में एलजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। पटना में सरेआम डॉक्टर पर फायरिंग। पटना के मेहंदीगंज में कारोबारी और उसके बेटे को घर में घुसकर मारी गोली। गया के डुमरिया में मुख्य पद के लिए खड़ी अपनी पत्नी के प्रचार के लिए निकले एलजेपी नेता सुदेश पासवान को बाइक सवारों ने मारी गोली। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। पटना में दुल्हन बाजार में नामी डॉक्टर पीके झा की गाड़ी पर अपराधियों ने किया अंधाधुंध फायरिंग। कंपाउंडर और ड्राइवर घायल, दोनों इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती। पटना के मेहंदीगंज में हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर कारोबारी और उनके बेटे को मारी गोली, दोनों की हालत नाजुक। सीवान में पत्रकार हत्याकांड में शहाबुद्दीन कनेक्शन का खुलासा। करीबी एक ही साथ 5 फ्लैट में चोरी। गार्ड के होने के बावजूद चोरी, लोगों में हड़कंप। गया में एक नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला की मौत। घटना के बाद डॉक्टर फरार, पुलिस तलाश में जुटी। कोटा के जवाहर नगर इलाके में एक हॉस्टल में लगी भीषण आग। आग में एक कर्मचारी बुरी तरह झुलसा। अलवर में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं का डीएम दफ्तर पर हंगामा। एडीएम की गाड़ी का किया घेराव। भरतपुर में पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी। दबंगों पर तालाब और कुएं पर कब्जा जमाने का आरोप। श्रीनगर में सचिवालय के बाहर साक्षर भारत मिशन के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष का हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने महबूबा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। फरुखाबाद जिले कचहरी में एक दरोगा की वकीलों ने की जमकर पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हाथरस के गौशाला इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने जूता कारोबारी को बनाया निशाना। 2 लाख रुपए लूटकर फरार हुए। देवरिया में अपनी मां के साथ ननिहाल पहुंची 2 साल की मासूम के साथ पड़ोसी ने किया दरिंदगी। आरोपी गिरफ्तार। करीब 100 महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोप में बाघ गिरफ्तार। बाबा परमानंद ने खुद को बताया निर्दोष, कहा साजिश के तहत फंसाया गया। सोनभद्र में तेज आंधी से आबकारी विभाग के दफ्तर में गिरा यूकेलिप्टस का पेड़। जानमाल का नुकसान है। मुजफ्फरनगर में शादी के घर में मातम जश्न में हुई रिफायरिंग में एक महिला को लगी गोली। बुरी तरह घायल महिला अस्पताल में भर्ती। आगरा में राशन की दुकान को लेकर हाईवे पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पर पुलिस का लाठीचार्ज। दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अमरोहा में मस्जिद से पंखा चुराने के आरोप में एक युवक की खंभे से बांधकर पिटाई। बाद में सिर मुंडवाकर पुलिस के हवाले किया। जौनपुर में ज्वेलरी की दुकान पर लूटपाट करने वाले बदमाश गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने पकड़ा। अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा समेत समाजवादी पार्टी के 7 उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए भरा पर्चा। सभी ने मुलायम का जताया आभार। वाराणसी में बीएचयू कैंपस में छात्रों के निलंबन का समर्थन करने पहुंचे आप कार्यकर्ताओं की पिटाई। जमकर हंगामा। परिजनों की मांग पर बीटेक की छात्रा ऋतु यादव के शव को कब्र से निकालकर दोबारा किया पोस्टमार्टम। ग्रेटर नोएडा में 17वीं मंजिल से गिरकर हुई थी मौत। महोबा में एक युवक को फेसबुक पर सीएम अखिलेश पर कमेंट करना पड़ा महंगा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी बीजेपी में खुलकर सामने आई गुटबाजी। इलाहाबाद में वरुण गांधी के समर्थन में लगे पोस्टर। स्मृति ईरानी पर हमला। कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जमकर तैयारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में एक वकील और उनकी पत्नी की गला दबाकर हत्या। लूट के इरादे से घर में घुसे थे बदमाश। आगरा में शादी के 2 दिन बाद नई नवेली दुल्हन ने दूध में जहर देकर पति की ली जान। घर से नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार। पीलीभीत में चोरों ने घर से नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हुए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। गाजियाबाद में सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया चोरों का गिरोह। लाखों के जेवर और चोरी का सामान बरामद। पंजाब के तरन तारण में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप। भरतपुर में बिजली विभाग के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों का प्रदर्शन। डीएम दफ्तर पर नारेबाजी। जयपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। जयपुर के वैशाली नगर में कपड़ा के शोरूम में चोरी। करीब 1 लाख रुपए के पसंदीदा ब्रांड के कपड़े लेकर फरार हुए चोर। बीकानेर में तपती गर्मी में ट्रांसफार्मर को फूंकने से बचाने के लिए दी जा रही है कूलर की हवा। 8 कूलर लगाए गए। पाली में लोगों की बड़ी मुसीबत। मानसून आने तक 3 दिन में एक बार ही मिलेगा पानी। धौलपुर में रोडवेज की बस स्टॉप पर एक दुकानदार से झगड़े के बाद लोगों ने लगाई आग। आगजनी में एक शख्स भी झुलसा। अलवर में बुजुर्ग महिला की हत्या और बहू के अपहरण के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। लूट के गहने और कैश बरामद। जयपुर नगर निगम की बैठक में एक पार्षद का ड्रामा। बनियान और शॉर्ट्स पहनकर बैठक में आने पर मार्शल ने बाहर किया।
झालावाड़ में 3 लाख की लूट के मामले में एक अपराधी गिरफ्तार, बाकी 3 अपराधियों की हो रही है तलाश। 12 में लहसुन की बंपर पैदावार ने किसानों को किया मालामाल, मंडी में 11,000 प्रति क्विंटल मिल रहा है भाव। तेलंगाना के निजामाबाद में खौफनाक हादसा, 2 ट्रकों के बीच आई कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। हैदराबाद के बीच सड़क में पलटा सीमेंट से लदा ट्रक, हादसे के बाद सड़क पर लगा भारी जाम। हैदराबाद में पुलिस थाने में एक महिला ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल में भर्ती कराया गया। केरल में पी विजयन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, विजयन के साथ 18 मंत्रियों ने भी ली शपथ। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का विवादित बयान, कहा बढ़ते पापों के कारण राज्य में मंदिरों की आमदनी 27% बढ़ी। मुंबई के नेहरू नगर में मंगलवार शाम एक लड़की की चाकुओं से कूदकर हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मुंबई में मंगलवार रात रफ्तार का दिखा कहर, 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे में 2 लोग घायल। मुंबई के नेहरू नगर में नाले की सफाई के दौरान दीवार धंसने से 32 दुकानें नाले में समाई, पहले खाली करा ली गई थी दुकानें। मुंबई के मालवाड़ी इलाके में 7 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। वेस्टइंडीज में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चुने जाने से तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर गदगद, कहा आईपीएल नहीं खेलने का गम नहीं। मध्य प्रदेश के इटारसी में बीजेपी विधायक संजय शर्मा के स्वागत की जमकर तैयारियां, हुई खूब फायरिंग, समर्थकों ने बीच सड़क जमकर चलाई गोलियां। जमशेदपुर में फर्जी खाता खोल 50 लाख का गबन, पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के जामताड़ा में बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियरों का कमिश्नर दफ्तर पर धरना, राज्य सरकार से नौकरी की मांग। भोले की नवगिरी देवघर में बंदरों का आतंक, पिछले 2 दिनों में बंदरों के हमले में करीब दर्जन भर लोग घायल। जामताड़ा में आज धूल भरी आंधी से दोपहर में ही छाया अंधेरा, जगह जगह पेड़ गिरने से राहत राहगीरों पर आफत। बंगाल में कांग्रेस विधायकों ने भरा वफादारी का बॉन्ड, 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रति वफादारी, पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं करने की कसम। कोलकाता में मंगलवार रात सीपीएम दफ्तर में आगजनी, तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। हुगली में मिल से निकाले जाने पर मजदूरों का हंगामा, मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मालदा में जाली आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चुनावी नतीजों के बाद हिंसा को लेकर सीपीएम नेताओं ने कोलकाता में पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, टीएमसी की शिकायत। ग्वालियर नगर निगम के स्विमिंग पूल में डूबकर 17 साल के नौजवान की मौत, कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। पंजाब के अमृतसर में बैंक में कैश जमा कराने जा रहे कर्मचारियों से 5.5 लाख की लूट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के हिसार में जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर दहिया पर कैदी की पिटाई का आरोप, अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के धौलपुर में गरीबी से तंग आकर एक परिवार ने मांगी इच्छामृत्यु, डीएम को लिखी चिट्ठी। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में दवा वितरण केंद्र पर कुछ युवकों ने कर्मचारियों के साथ की मारपीट, घटना के विरोध में हड़ताल पर गए कर्मचारी। पंजाब के मोगा में 12वीं की छात्रा ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मैथ्स में नंबर कम आने की वजह से परेशान थी सिमरन। हरियाणा के पलवल में नाबालिग लड़की से रेप, सिगरेट से जलाने और कैंची से हमले का भी आरोप, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पर अज्ञात लोगों ने किया हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के फिरोजपुर में पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर पति ने उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा, पति को नाजायज संबंध का शक। अहमदाबाद में सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंची महिला के उड़े होश, जांच में पता चला सीने में लगी थी गोली। उत्तराखंड में चौकुटिया से रामनगर जा रही यात्रियों की बस गहरी खाई में गिरी, हादसे में 8 की मौत, 22 घायल। सूरत में लुटेरों ने एक बैंक के एटीएम को बनाया निशाना, एटीएम तोड़कर करीब 2 लाख कैश लेकर हुए फरार। जिम कॉर्बेट पार्क के पास खेत में काम कर रहे एक शख्स पर गुलदार ने किया हमला, लोगों ने किशोर बचाने पर जंगल की ओर भागा। जम्मू दिल्ली ट्रैक पर जालंधर सुचीपिंड के बीच ट्रैक दोहरीकरण के चलते 42 स्पेशल समर ट्रेनें रद्द, वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को निराशा। पठानकोट में स्कूली बच्चों ने सेना को दिया अनोखा तोहफा, 15,025 पोस्ट कार्ड भेजकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराने की तैयारी। रोहतक की हेल्थ यूनिवर्सिटी में पत्नी
पानी की टंकी में एमबीबीएस छात्र का शव मिलने से हड़कंप। फोर्थ ईयर का छात्र सचिन महेंद्रगढ़ का रहने वाला था। यूपी के महाराजगंज में 2 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी। पड़ोस में रहने वाले युवक ने चॉकलेट देने के बहाने बुलाया था। सवाई माधोपुर में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली युवक की जान। पैसे की लालच देकर बिजली के पोल पर चढ़ाया, करंट लगने से हुई मौत। राजस्थान के झुंझुनू में भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। सोनोग्राफी मशीन के साथ 2 लोग गिरफ्तार। हैदराबाद में वेतन नहीं मिलने से नाराज सरकारी अस्पताल की सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के जीटीवी एनक्लेव इलाके में वेतन नहीं मिलने से परेशान एमसीडी कर्मचारी ने की खुदकुशी। घर में पसरा मातम। दिल्ली के कृष्णा नगर में एटीएम उखाड़ कर ले जाने की कोशिश। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर बवाल। आला अफसरों ने जांच के दिए आदेश। दिल्ली में बीमा कंपनियों के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 लोग गिरफ्तार। सऊदी एयरलाइन से घर लौट रहे लोगों पर आफत। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फंसे दिल्ली में परिजनों की बड़ी मुसीबत। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज बूंदाबांदी से मौसम सुहाना। तपती गर्मी से राहत। राजस्थान के धौलपुर में कई जगहों पर भरा बारिश के साथ गिरे ओले। तापमान में 8 डिग्री की गिरावट। लोगों को भीषण गर्मी से राहत। वाराणसी में आज सुबह तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश से मौसम खुशनुमा। लोगों को गर्मी से मिली राहत। ओडिशा के कई जिले इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में। बोलांगीर और तितलागढ़ में पारा 46 डिग्री के पार। विशाखापट्टनम में तपती गर्मी से लोग बेहाल। कई इलाकों में लू चलने से लोगों की बड़ी परेशानी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में मंगल उत्सव का आयोजन। मंदिर में भक्तों का लगा तांता। आज से हेमकुंड यात्रा की शुरुआत। करीब 500 श्रद्धालु ऋषिकेश से हेमकुंड के लिए रवाना। श्रीनगर में शुरू हुआ फूलों का उत्सव। डल झील के किनारे 2 दिनों तक सैलानियों का लगेगा मेला। हरिद्वार में 17 साल से मिट्टी और रेत खाकर जिंदा एक शख्स। मुरादाबाद के रहने वाले रामेश्वर को देखकर डॉक्टर भी हैरान। राजकोट में 10वीं बोर्ड के नतीजों से पहले एक छात्रा की ब्रेन ट्यूमर से मौत। 82% से ज्यादा अंक लाकर माता पिता को गौरवान्वित किया।